हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस ड्राइंग का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे सीख सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। डिज़ाइन को ट्रेसिंग करने के लिए ट्रेसिंग पेपर इस तरह रख कर डिज़ाइन पे पेन से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से पेन से ड्रॉ कर लें। जहां भी हमें डिज़ाइन को ट्रेस करना है तो इस तरह से हम निशान लगा के पहले डिज़ाइन को एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसकी ट्रेस करेंगे। हम इसकी छपाई कार्बन पेपर से कर रहे हैं तो कार्बन पेपर का जो इंक वाला पोर्शन है वो नीचे आना चाहिए और डिज़ाइन इस तरह से ऊपर लेंगे। अब हम वन बाय वन इससे डिज़ाइन को छाप लेंगे। इस तरह से पेन चला देंगे, पेंसिल लें, पेंसिल से कर लें, इस तरह से कर लें। इसे हमें मिसप्लेस नहीं होने देना है, ना हलने नहीं देना चाहिए। अगर हल जाता है बीच में हमसे तो हम ये कार्बन पेपर हटा के ये डिज़ाइन को, ये हमें डिज़ाइन नीचे वाली डिज़ाइन दिख रही है ड्रेसिंग पेपर में, तो इसे वापस एडजस्ट करेंगे इस तरह से और फिर कार्बन पेपर रखेंगे, फिर ड्रेसिंग करेंगे। ये कार्बन पेपर की ड्रेसिंग सिर्फ वन टाइम या टू टाइम ही हो पाती है, क्योंकि इसमें हम बार बार इस तरह से पेन गिराते हैं तो ये हमारा ड्रेसिंग पेपर ख़राब हो जाता है। इस ट्रेसिंग का छपाई का तरीका हम दूसरे वीडियो में भी बता रहे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे सीख सकते हैं। इस तरह कार्बन से छपाई कर ले। लाइट कलर के कपड़े पे ब्लू कार्बन और डार्क कलर के कपड़े पे वाइट कार्बन यूज़ करें, लेकिन सिर्फ वन टाइम या टू टाइम डिज़ाइन वाली छापने पर ही यूज़ करें। जो दूसरा मेथड है उसमें हम ज़्यादा डिज़ाइन छाप सकते हैं, जैसे उसमें ड्रेसिंग पेपर में नीडल से होल्ड करके फिर पाउडर से उससे रब करके डिज़ाइन को ट्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ड्रेसिंग पेपर भी नहीं ख़राब होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में हम डिज़ाइन को कम टाइम में यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। पेंटिंग बनाने के लिए लीजिए राउंड ब्रश 6 नंबर एंड राउंड ब्रश 0 नंबर। ये कैमल के फैब्रिक कलर हैं। 492 येलो ऑक्चर, येलो OCHRE ऑक्चर वाइट। ये डार्क ग्रीन है 108 नंबर। ये 356 पर्पल कलर। पेंटिंग करने से पहले कपड़े को वॉश ज़रूर कर लें ड्राई करके और फिर उस पर पेंटिंग करें। राउंड ब्रश 6 नंबर ब्रश में कलर लेकर इस तरह हम पत्तियों में अप्लाई कर देंगे, इन्हें ड्राई करेंगे। पहले हमें बाहर ऐसा आउटलाइन करना रखती है, फिर उसके बाद में अंदर फिल करेंगे। जीरो नंबर वाले ब्रश में इस तरह डार्क ग्रीन कलर लेंगे। अब इन पत्तियों के टॉप पर अप्लाई करेंगे। एक साइड अप्लाई करना है इसे और इस तरह से हम स्ट्रोक लेंगे। ये नीचे का कलर ड्राई हो उसके बाद ही करें। अगर स्ट्रोक नहीं बनते हैं हमसे तो हम इस तरह इसे रफ कॉपी में ब्लैक कलर से इसकी प्रैक्टिस कर लें। सिंपल है, इसे यहाँ टिकाना है और इसे इस तरह से झटका देकर हमें लाइन बनाते हुए खींचना है, तो यहाँ टॉप पर मोटा बनेगा, यहाँ इसकी नोक बनेगी, तो इस तरह स्ट्रोक बनेगी। दूर दूर ले लें थोड़ा पहले, फिर बाद में उसे छोटे छोटे स्ट्रोक से अप्लाई करके फिल कर दें। फ्लावर में छोटी पत्तियों को कंप्लीट करने के लिए 0 नंबर वाले ब्रश में पर्पल कलर लेंगे और इनकी पहले आउटलाइन कर लेंगे हम।
इस तरह से आउटलाइन कर लें। छोटी पत्तियां हैं तो हम तीन तीन चार चार पत्ती एक साथ बनाएंगे। ब्रश को पोंछ कर वाइट कलर लेंगे और इनके अंदर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में इन बॉर्डर्स को मिक्स करना है, तो इस तरह से सिर्फ हल्के हाथ से ब्रश को चलाते हुए इसे मिक्स कर दें। ब्रश में कलर आ जाता है तो इसे पोंछ लेंगे। सिर्फ इनके बॉर्डर्स को मिक्स करना है हमें। बड़ी पत्ती को कंप्लीट करने के लिए राउंड ब्रश लेंगे हम, बड़ा 6 नंबर वाला, और इसकी आउटलाइन कर लेंगे पर्पल कलर से। थोड़ी मोटी आउटलाइन करना हमें। ब्रश को पोंछ कर वाइट कलर लेंगे। अब इनके पहले बॉर्डर पे हम करेंगे थोड़ी दूर से। फिर ब्रश को पोंछ लेंगे। वाइट कलर अप्लाई करने के बाद में इन बॉर्डर्स पे इस तरह से ब्रश रखकर पर्पल कलर को नीचे लाना है। ब्रश में अगर वाइट कलर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ब्रश को फिर पोंछ लेंगे और फिर इस बॉर्डर को मिक्स करेंगे। ब्रश को रखकर इन्हें हमारी तरफ लेना है, तो फिर इसकी बॉर्डर इस तरह से मिक्स होगी और इस तरह के स्ट्रोक भी बनते जाएंगे। ब्रश को पोंछ लेंगे। अब सेकंड बॉर्डर करेंगे। गीले गीले में ही बनाना है हमें, कलर ड्राई नहीं होना चाहिए। जिस तरह अगर इस बॉर्डर में ऐसा आ जाता है तो हम थोड़ा सा कलर इसमें वापस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।